काल में क्या करनी चाहिए पूजा, सूतक काल में क्या करानी चाहिए पूजा, सूतक को लेकर क्या कहते हैं शास्त्र पुराण, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि सूतक में पूजा कराना और करना कितना सही है, क्या कहते हैं शास्त्र पुराण। इसी से संबंधित यह वीडियो है। कुछ मान्यताओं के अनुसार परिवार में किसी उपनयन संस्कार और विवाह संस्कार हो चुके व्यक्ति की मृत्यु पर 13 दिनों और कहीं कहीं 10 दिनों पर अशौच यानी सूतक समाप्त हुआ माना जाता है। अगर मुंडन हो चुका हो तो 3 दिन में शुद्धिकरण किया जा सकता है। सूतक के बारे में क्या कहते हैं पुराण और शास्त्र। अशौच के बारे में गरुड़ पुराण, मनुस्मृति, पराशर स्मृति, गौतम स्मृति, धर्म सिंधु सहित कई अन्य ग्रंथों में उल्लेख किया गया है कि इस दौरान देव कर्म नहीं किया जाना चाहिए। इस समय देव पूजा कर्म और देव स्पर्श नहीं किया जाना चाहिए। इस दौरान मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए पितृकर्म करने का विधान बताया गया है। धर्म ग्रंथों में सूतक को लेकर काफ़ी विस्तार से बताया गया है कि सूतक किस पर और कितने समय के लिए लागू होता है। इसमें देह त्याग करने वाले व्यक्ति और देह त्याग किस प्रकार से हुआ है इस विषय का भी उल्लेख अलग अलग स्थानों पर मिलता है। किस पर लागू होता है सूतक। सूतक के बारे में विभिन्न शास्त्र और पुराणों में बताया गया है कि गृहस्थजनों की मृत्यु होने पर उनके 7 पीढ़ियों पर सूतक लगता है। बेटियां अधिकतम 3 दिनों में ही सूतक से मुक्त हो जाती हैं। कुर्म पुराण में बताया गया है कि जो लोग सन्यासी हैं, गृहस्थ आश्रम में आपको प्रवेश नहीं किए हैं, जो लोग वेदपाठी संत हैं उनके लिए सूतक का विचार मान्य नहीं होता। इनके माता पिता के मृत्यु हो जाने पर भी केवल वस्त्र सहित स्नान कर लेने से मात्र से भी इनका सूतक समाप्त हो जाता है। मृत्यु सूतक कितने दिनों तक मान्य रहता है। गौतम स्मृति में बताया गया है कि राजा के लिए श्रद्धा शौच होता है, यानी स्नान करने मात्र से ही यह शुद्ध हो जाते हैं। पुरोहित धर्म पालन करने वाले ब्राह्मणों के संदर्भ में भी यह बात लागू होती है। संख्य स्मृति में इसी तरह बात कही गई है कि राजा धम्यार यतनम सर्वे शाम तस्माद नवरुद्ध प्रेत प्रसव दोषई है। मतलब दरअसल इस संदर्भ में यह माना गया है कि इनके अशौच का विचार करने से महत्वपूर्ण कार्यों में बाधा आ सकती है। यह पद इन्हें पूर्व जन्म के अति पुण्य कर्मों से प्राप्त हुआ, इसलिए इन पर अशौच नियम नहीं लगता है। गौतम और संख्य स्मृति में तो अपनी मृत्यु की स्थिति में श्रद्धा शौच को ही मानने का नियम बताया गया, यानी स्नान मात्र से सूतक समाप्त हुआ ऐसा मानना चाहिए। पराशर स्मृति में बताया गया है कि राजा को अशौच नहीं लगता। इसके साथ ही राजपुरोहित जिसे राजा ने अपने कार्य के लिए चुना है उस पर भी अशौच मान्य नहीं होता, उन्हें अपना कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ कहा गया है कि जिन्हें पुरोहित कर्म सौंपा गया है उन्हें अशौच स्थिति आ जाने पर भी अपना सहज कर्म करते रहना चाहिए। विष्णु पुराण में भी उल्लेख मिलता है कि विशेष प्रसंगों में अपमृत्यु होने पर साधु संतों और सन्यासियों के मृत्यु होने पर महज स्नान कर लेने से ही अशौच समाप्त हो जाता है। सूतक में लोकाचार और देशाचार का विचार किया जाता है। वैसे सामान्य रूप से 10 दिनों तक अशौच काल माना जाता है। मदन पारिजात नामक ग्रंथ में सूतक के संबंध में अलग अलग मतों को ध्यान में रखते हुए निर्देश दिया गया है कि इसमें लोकाचार और दिशाचार के अनुसार विचार कर लेना चाहिए। सूतक के प्रकार, अनेक पुराणों में सूतक के संदर्भ में वर्णन मिलता है कि पुराणों के अनुसार 2 प्रकार के सूतक यानी अशौच काल माने जाते हैं, एक जन्मशौच दूसरा मरणशौच। इन दोनों प्रकार के सूतक में मृत्यु से अधिक प्रभावी जन्मशौच को बताया गया है, यानी परिवार में किसी का जन्म होने पर भी सूतक लगता है और इसे अधिक प्रभावी माना जाता है।
तो सूचक से संबंधित अगर कोई भी अशुद्धता है तो उसकी शुद्धता के लिए उपाय करें, क्योंकि आप अगर शुद्ध नहीं हैं तो फिर आपको आपका भाग्य आपको साथ नहीं देगा। आप सब यूं ही बने रहें, मिलते हैं अगले वीडियोज़ के साथ। किस पर लागू होता है सूतक? सूतक के बारे में विभिन्न शास्त्र और पुराणों में बताया गया है कि गृहस्थ जनों की मृत्यु होने पर उनके सात पीढ़ियों पर सूतक लगता है। बेटियां अधिकतम 3 दिनों में ही सूतक से मुक्त हो जाती हैं। कुर्म पुराण में बताया गया है कि जो लोग सन्यासी हैं, गृहस्थ आश्रम में आपको प्रवेश नहीं किए हैं, जो लोग वेदपाठी संत हैं उनके लिए सूतक का विचार मान्य नहीं होता। इनके माता पिता के मृत्यु हो जाने पर भी केवल वस्त्र सहित स्नान कर लेने से मात्र से भी इनका सूतक समाप्त हो जाता है। मृत्यु सूतक कितने दिनों तक मान्य रहता है? गौतम स्मृति में बताया गया है कि राजा के लिए श्रद्धा शौच होता है, यानी स्नान करने मात्र से ही यह शुद्ध हो जाते हैं। पुरोहित धर्म पालन करने वाले ब्राह्मणों के संदर्भ में भी यह बात लागू होती है। संख्य स्मृति में इसी तरह बात कही गई है कि राजा धम्यार यतनम सर्वेशाम तस्माद नवरुद्ध प्रेत प्रसव दोषई है। मतलब दरअसल इस संदर्भ में यह माना गया है कि इनके अशौच का विचार करने से महत्वपूर्ण कार्यों में बाधा आ सकती है। यह पद इन्हें पूर्व जन्म के अति पुण्य कर्मों से प्राप्त हुआ, इसलिए इन पर अशौच नियम नहीं लगता है। गौतम और संख्य स्मृति में तो अपमृत्यु की स्थिति में श्रद्धा शौच को ही मानने का नियम बताया गया, यानी स्नान मात्र से सूतक समाप्त हुआ ऐसा मानना चाहिए। पराशर स्मृति में बताया गया है कि राजा को अशौच नहीं लगता। इसके साथ ही राजपुरोहित जिसे राजा ने अपने कार्य के लिए चुना है उस पर भी अशौच मान्य नहीं होता, उन्हें अपना कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ कहा गया है कि जिन्हें पुरोहित कर्म सौंपा गया है उन्हें अशौच स्थिति आ जाने पर भी अपना सहज कर्म करते रहना चाहिए। विष्णु पुराण में भी उल्लेख मिलता है कि विशेष प्रसंगों में अपमृत्यु होने पर साधु संतों और सन्यासियों के मृत्यु होने पर महज स्नान कर लेने से ही अशौच समाप्त हो जाता है। सूतक में लोकाचार और देशाचार का विचार किया जाता है। वैसे सामान्य रूप से 10 दिनों तक अशौच काल माना जाता है। मदन पारिजात नामक ग्रंथ में सूतक के संबंध में अलग अलग मतों को ध्यान में रखते हुए निर्देश दिया गया है कि इसमें लोकाचार और दिशाचार के अनुसार विचार कर लेना चाहिए। सूतक के प्रकार, अनेक पुराणों में सूतक के संदर्भ में वर्णन मिलता है कि पुराणों के अनुसार 2 प्रकार के सूतक यानी अशौच काल माने जाते हैं, एक जन्म शौच दूसरा मरण शौच। इन दोनों प्रकार के सूतक में मृत्यु से अधिक प्रभावी जन्माशौच को बताया गया है।